हाय गाइस, मेरा नाम है शिखा एंड वेलकम। तो गाइस, अब मैंने सोचा कि मैं फ्लिपकार्ट से कुछ सस्ती सस्ती अफोर्डेबल साड़ियां मंगाती हूँ जो 250 से 300 की रेंज में होंगी और मैं उनका रिव्यू करूंगी। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारी ऐसी प्रिंटेड साड़ियां होती हैं जो हमारा लेने का मन होता है, बट हम सोचते हैं कि यार बहुत सस्ती है, इतने रेंज में अगर हम मार्केट में देखेंगे तो मुझे अच्छी मिलेगी नहीं, तो अच्छी नहीं होगी, ऐसा हम सोचते हैं और सोचते हैं क्यों टाइम वेस्ट करना, छोड़ दो। तो मैंने कुछ ऐसी साड़ियां सेलेक्ट की हैं जो 250 से 300 की रेंज में है और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से उसका रिव्यू जरूर शेयर करूं। तो गाइज, अभी मेरे पास सारी साड़ियां नहीं आ पाई हैं, अभी मेरे पास एक साड़ी आई है जिसका मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा लगता है। तो गाइज, ये वो साड़ी है, आप देख सकते हो। अगर आपने फ्लिपकार्ट पे साड़ियां सर्च की होंगी और लो टू मीडियम लगाया होगा सॉर्टिंग में, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सी साड़ी है। तो गाइज, ये साड़ी जो है ये मुझे पड़ी है 241 में पड़ी है, कुछ शायद ऑफर भी था। और जो फ्लिपकार्ट क्वाइंस होते हैं उनमें से मुझे मेरा 13 रुपीज कट गया, तो मुझे ये 241 में साड़ी पड़ी है। तो मुझे अगर मैं बात करूं तो ये जो है वो जॉर्जेट है, बट ये चुभने वाला जॉर्जेट नहीं है, बहुत अच्छा जॉर्जेट है। साड़ी बहुत सॉफ्ट है, बहुत हल्की है और पहनने में बहुत अच्छी लग रही है। जैसा लुक आप वेबसाइट पे देखेंगे सेम वही कैटलॉग की ये साड़ी है, जैसा कैटलॉग में है सेम वैसा ही है। तो मुझे, मैं बता दूं, ये है इसका ब्लाउज भी देखने में अच्छा है, बट मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है, मैं ब्लाउज स्टिच नहीं कराऊंगी। मैं सारी प्रिंटेड साड़ियां इसलिए मंगा रही हूँ क्योंकि मैं अब एक इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट करना चाहती हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मेरे इंडो वेस्टर्न लुक्स को देखें, आप उनसे कुछ आइडिया लें, तो आप प्लीज मेरे और वीडियोस जरूर देखिएगा। मुझे क्या बेकार लग रहा है साड़ी में मैं बता देती हूँ। ये जो पट्टियां हैं, जो स्ट्रिप्स हैं, ये मुझे थोड़ी सी ऑड लग रही हैं। हालांकि फोटो में भी था, बट मुझे इतना समझ में नहीं आया था कि अच्छी लगेगी या खराब लगेगी, और इतना मैंने मतलब ध्यान से उसे देखा नहीं था। बट इसको लेने के बाद मुझे थोड़ा सा ये चीज, अगर ये चीज ना होती तो गाइस ये साड़ी माइंड ब्लोइंग थी। बट चलो, हम देखते हैं कि हमें इसको कैसे यूज करना है। एक दो बार मैं इसको यूज कर लूंगी, और ज्यादातर यही होता ही है कि हम एक दो बार ही साड़ियां यूज करते हैं, तो उसके बाद मैं इसका चाहूंगी तो कुछ गाउन वगैरह बनवा लूंगी, कुछ और अगर मैं बनवा लूंगी तो ये साड़ी उस हिसाब से बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमारा ये वाला झंझट भी खत्म हो जाएगा उसमें, और ये स्लीव वगैरह में अगर हम लगवा देंगे तो अच्छा लगेगा। तो गाइज, ये थी मेरी साड़ी, और फैब्रिक मैं बता चुकी हूँ कि क्या है, शिफॉन नहीं है, जॉर्जेट ही है ये। और इसमें जो प्राइस है ये 1300 लिखा हुआ है, और पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ये लोग कैसे इतना ज़्यादा दे देते हैं। और ये साड़ी की लेंथ जो है 2.25 मीटर है, ब्लाउज लेंथ इसका 75 मीटर है। तो अगर किसी को ज़्यादा लगता हो इसका ब्लाउज तो वो नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते हैं, और या फिर कोई दूसरा, इतने सारे मल्टी कलर्स हैं इस साड़ी में, तो किसी भी कलर को लेके वो बनवा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं भी कॉन्ट्रास्ट पे बिलीव करती हूँ, इसलिए मैं इस पे कुछ अलग टाइप का शर्ट या कुछ ट्राई करने वाली हूँ इस साड़ी पे। गाइस, ये था मेरा वीडियो, प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।